आज हम पॉइंट फोर नंबर का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैंने क्या बताया था इसमें कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ ना, उससे ऐसे ऐसे आप उसके जो भी बोला है वो करते जाओ, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब मान लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो थर्ड वाला ले लो, पहले इजी वाला। तो 10 टाइम्स ऑफ ए इज 70, क्या है 10 टाइम्स ऑफ ए इज 17। तो अभी ऐसे लिखेंगे 10 टाइम, तो 10 किसका, ए का 10 टाइम क्या होगा 17। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 ए इज इक्वल टू 70, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो दूसरा भी ले लेते हैं बड़ा वाला। लास्ट देखो, इफ़ यू ऐड थ्री टू वन थर्ड ऑफ जेड। तो इफ़ यू ऐड मीन्स क्या आ जाएगा, प्लस। ऐड मीन्स क्या आ जाएगा, प्लस। इफ एटले प्लस आ जाएगा, ऐड कितना थ्री। इफ़ यू ऐड थ्री किस में, वन थर्ड ऑफ जेड। तो यार इक्वेशन क्या बनेगा, वन थर्ड ऑफ जेड है उसमें आप ऐड करो, क्या ऐड करो, वन थर्ड ऑफ जेड में क्या ऐड करना है, थ्री। तो आपका आंसर आ जाएगा, यू विल गेट 30। तो वन थर्ड ऑफ जेड को हम जेड बाय थ्री भी लिख सकते हैं ना, तो जेड बाय थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू 30, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। ओके, तो ऐसे ही दूसरे भी ट्राई करना इक्वेशन फोर नंबर के क्वेश्चन के। वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देखो, तो पी प्लस फोर इज इक्वल टू 15। तो सिंपल बोलो क्या किया, फोर ऐड किया किसमें, पी में, और आंसर आया 15। तो ऐड 4 इंटू 5 एंड वी विल गेट आंसर 15, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो ऐसे भी, इफ़ यू ऐड 4 इन पी देन वी विल गेट आंसर 15, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर एक ये बता देता हूँ, 3p + 4 = 25। इफ वी ऐड 4 इन 3 times of the p वी विल गेट आंसर 25। अगेन इफ वी ऐड 4 इन 3 times of p वी विल गेट आंसर 25। ऐसे इसमें ले लेते 4p - 2 = 18। 4p - 2 में सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट किया किसमें से, 4p में से, और आंसर आया 18। तो उसको सिंपल ऐसे बनाते जाओ आप अपने अपने माइंड में, क्या किया 2 माइनस किया। तो इफ़ यू सब्सट्रैक्ट टू फ्रॉम 4 times, देखो ऐड आएगा ना, ऐड, तो ऐड में 2 आएगा, प्रीपोजिशन ऐड में 2 आएगा, और सब्सट्रैक्ट आएगा ना तो उसमें फ्रॉम आएगा। इंग्लिश 2 मीन्स किसी में ऐड करना है तो 2 आएगा, और किसी से सब्सट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम, प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे आप ये। इफ वी सब्सट्रैक्ट टू फ्रॉम 4 times of the p वी गेट, या तो यू गेट 18। ओके, अभी ये ऊपर वाला देखो, 2m = 17, 2 times of m = 7, 1/5 of the m = 3, ऐसे आप सबके बना सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेट अप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। मैं एक आपको बता दूंगा, बाकी के आप अपने आप ट्राई कर लेना। फर्स्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज अ 7 मार्बल मोर देन 5 times of the marble परमिट। ओके, फिर से, तो जिन दोनों की बात हो रही थी वो कर लेते हैं पहले। तो क्या बात हो रही थी, परमिट की 5 times marble। तो 5 लिखो, 5 में परमिट के मार्बल्स, और इक्वल टू करके सामने लिखो, क्या वो बात हो रही थी, इरफान के मार्बल्स। तो इरफान के मार्बल्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, इरफान सेज दैट ही हैज, मीन्स इरफान के पास 7 times मार्बल ज़्यादा है, किससे, इरफान के पास में 7 times मार्बल ज़्यादा है, किससे, 5 times of परवीन। तो 5 times of परवीन, तो बस ये किया हुआ था 5 परमिट इरफान, तो यहाँ पे 7 का ऐड कर दो, बस 7 ऐड कर दिया, तो ये आपका बन गया कि इरफान के मार्बल परमिट के 5 times मार्बल से 7 ज़्यादा है। अब देखो इरफान के मार्बल की जगह पे आपको 37 दिया हुआ है, तो इरफान के मार्बल की जगह पे 37 रखो, तो यहाँ पे 37, तो 7 + 5 परमिट के मार्बल इज इक्वल टू 37। तो 7 सामने जाएगा, तो 37 - 7, तो आंसर आ जाएगा 30। तो 5 परमिट, तो परमिट का कितना आया, 5 से कटेगा तो 6,
तो परमित के पास में कितनी मार्बल होगी, तो परमित के पास में कितनी मार्बल होगी, सिक्स। कितनी होगी, सिक्स। ये बात होगी परमित के मार्बल की। लेकिन अगर हमको सिर्फ इतना ही बताना है कि इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन में तो क्या है, देखो यार, सेवन है, पाँच परमित, तो परमित की मार्बल हम एम मान लेते हैं, तो सेवन प्लस फाइव परमित की मार्बल एम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो इज इक्वल टू 37। आपको सिर्फ इतना ही पूछा है। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछेगा कि मार्बल कितने हैं तो यहाँ तक करना है, लेकिन आपको सिर्फ इक्वेशन पूछा है तो यही आएगा। तो ऐसे ही सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर अपने हिसाब से ट्राई कर लेना।